मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड माई बॉडी। आपने स्टडी कर लिया होगा अपने कि जो हमने कुछ बॉडी पार्ट्स के नेम को जो डिस्कस किया था, हेड के बारे में, नोज के बारे में, माउथ, ईयर, ये प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड आज एक्सरसाइज है, लेट्स ट्राई थर्ड। तो अब हम देखते हैं कि आपने कितना स्टडी किया है। तो फर्स्ट, तो लेट्स ट्राई थर्ड में क्या है हमारे, तो उसको हम रीड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। देखिए हमें क्या करना है कि अगर कोई सही स्टेटमेंट होगा तो उसके लिए हमें ट्रू लिखना है, और एफ टी भी लगा सकते हैं आप, और एफ भी कर सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। फर्स्ट क्या है, आवर हेड इज फुल ऑफ हेयर। हमारा जो सिर होता है वो फुल ऑफ हेयर है, यानी उसमें क्या है, बाल है क्या ऐसा? ये ट्रू है कि फॉल्स है? आपके सिर पे क्या है, हेयर ही है ना, तो फुल ऑफ हेयर, तो इट्स ए करेक्ट, तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, टी यूज करना है। सेकंड है बी नंबर का, वी कैन बैंड अवर नोज। हम अपनी नोज को बैंड कर सकते हैं, कि बैंड करना यानी मोड़ना। आप मोड़ सकते हैं अपने नाक को, भाई किधर से इधर उधर करके मोड़ना या कुछ भी करना, उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, तो बैंड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो वी कैन बैंड आवर नोज, नो वी कांट बैंड आवर नोज, हम नहीं कर सकते। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। तो आप एफ यूज करेंगे तो करेक्ट होगा, उसके लिए हमें टी वर्ड यूज कर लेना है, और जो रॉन्ग होगा उसके लिए एफ वर्ड यूज कर लेना है। सी है हमारे, वी सिट विथ आवर आइज। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि वी सिट विथ आवर आइज, क्या हम बैठते हैं अपने आंखों के साथ बैठते हैं? नो, फॉल्स, है ना। तो ये क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे टीथ, आगे है टीथ हेल्प अस इन ईटिंग फूड। अब देखिए टीथ जो दांत है वो हमारे भोजन को खाने में हेल्प करते हैं, यस श्योर करते हैं वो, क्योंकि हम टीथ की हेल्प से ही तो बाइट करते हैं ना किसी चीज़ को। तो ये चीज है कि हेल्प अस इन ईटिंग फूड, यस। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो टीथ आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट है आवर टंग हेल्प्स अस हियर, हमारी जीभ जो है वो सुनने में सहायता करती है हमारी। क्या टंग हेल्प करती है क्या हियर करने में? नो, इट्स ए रॉन्ग, इट्स ए फॉल्स स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये आपने देखा, ये आपसे क्योंकि नॉलेज के अकॉर्डिंग है जो हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था, ये आप सबको पता है। तो यहाँ तक ही हमने टंग तक की जो भी थे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम में टंग तक की बॉडी वो लिए थे जो माउथ से रिलेटेड थी। तो ये उसके हमने आज क्वेश्चंस को स्टडी किया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेकंड नंबर का, तो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट साउंड डू यू लाइक टू हियर, आपको किस तरह की आवाज पसंद है, है ना, ध्वनि होती है तो वो किस तरह की आवाज को सुनना पसंद है? आई लाइक टू हियर म्यूजिक, आई लाइक टू हियर म्यूजिक। अब देखिए आपको किसी तरह की भी साउंड्स पसंद हो सकती है। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जैसे हम सबको ज़्यादातर म्यूजिक सुनना पसंद होता है, है ना, तो आई लाइक टू हियर म्यूजिक, यानी मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, तो साउंड में तो हम जनरली म्यूजिक को ही पसंद करते हैं, तो हम कौन सा साउंड लेंगे, म्यूजिक से रिलेटेड। तो आई लाइक टू हियर म्यूजिक। सेकंड है विच इज, सेकंड क्या है, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, है ना, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? हाँ, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग? तो देखिए यहाँ पे है कि जो स्टूडेंट्स को कईयों को पसंद आता है, ओ माई फ्रेंड गणेशा, क्या है, ओ माई फ्रेंड गणेशा। तो यहाँ पे मैंने फेवरेट सॉन्ग लिया है, विच इज योर अवर फेवरेट सॉन्ग, यानी हमारा फेवरेट सॉन्ग कुछ भी हो सकता है, आपको भी कुछ किस गाने पसंद होंगे। तो यहाँ क्या लिया है, ओ माई फ्रेंड गणेशा, ये वर्ड्स है, तो ओ माई फ्रेंड गणेशा है, ये फेवरेट सॉन्ग है। अब है नेक्स्ट है हमारे
सी डू यू ब्रश योर टीथ एवरी डे एंड आफ्टर एवरी मील. क्या आप डू यू ब्रश योर टीथ एवरी डे एंड आफ्टर एवरी मील, क्या आप अपने दांतों को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं एवरी डे, रोजाना और खाना खाने के बाद में? तो आप देखिए, ये तो चीज़ हम करते ही है ना, तो यस, इसका आंसर क्या होगा? यस. तो ये आपको भी करना है. अगर स्टूडेंट्स आप नहीं करते हैं, मतलब ऐसे तो रेगुलर आप करते हैं, एवरी डे करते हैं, तो आपको ध्यान रखना खाना खाने के बाद में भी हमें ब्रश करना चाहिए. तो डू यू ब्रश योर टीथ एवरी डे एंड आफ्टर एवरी मील? यस. क्लियर. नेक्स्ट, कैन यू राइट एनी टू थिंग्स? देखिए, कैन यू राइट एनी टू थिंग्स यू डू विथ योर माउथ? आप क्या कोई दो चीज़ ऐसी बता सकते हैं जो अपने मुंह से करते हैं आप? अब देखिए, मुंह से तो हम करते ही हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं मुंह को, तो करते हैं ना. तो वी ईट, हम क्या करते हैं? ईट करते हैं एंड टेस्ट फूड विथ अवर माउथ. हम खाते भी हैं, भोजन का टेस्ट लेते हैं अपने मुंह से. तो वी ईट एंड टेस्ट फूड विथ अवर माउथ. ओके, क्लियर. तो आपको दो चीज़ें बतानी है, तो आप क्या करते हैं? वी ईट, हम खाते हैं, एंड टेस्ट भी करते हैं फूड का विथ अवर माउथ. नेक्स्ट है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ योर टंग? आपकी टंग का कलर कौन सा है? कौन सा आपकी टंग का कलर? रेड है ना. हमारी टंग कैसी होती है? रेड होती है. ओके, तो देखिए जनरली क्वेश्चंस हैं, ये जनरली हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमसे रिलेटेड हैं. तो आपने क्या स्टडी किया आज क्वेश्चंस में, कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया व्हाट साउंड डू यू लाइक टू हियर, आपको कौन सा साउंड पसंद है, तो यानी आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो आई लाइक टू हियर म्यूजिक. अब नेक्स्ट है, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो यानी ओ माई फ्रेंड गणेशा. अब देखिए, ब्रश की बात है, हमारा थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन को हम जब ले रहे हैं कि कैन यू ब्रश, थर्ड क्या है, मतलब डू यू ब्रश योर टीथ एवरी डे एंड आफ्टर एवरी मील, तो आप रोजाना अपने ब्रश को करते हैं? यस यू डू, आप करते हैं. ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू राइट एनी टू थिंग्स यू डू विथ योर माउथ? यस, वी ईट एंड टेस्ट फूड विथ अवर माउथ. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ योर टंग? रेड कलर. ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको रीड करना है और अपनी नोटबुक में भी लिखना है और अगेन एंड अगेन रिपीट करना है स्पीक करते हुए. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं. ओके स्टूडेंट, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे. तो आपको दोनों एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है, बहुत अच्छे राइटिंग्स में करनी है और इन सबको रीड भी करना है. ओके, तो ये सब चीज़ें आप करेंगे जाते हैं. ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू.